दोस्तों नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक कोरोटेंट के पौधों के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारी शिकायत होती है लोगों की कि हमारे कोरोटेंट के पत्ते जो है, पौधे जो हैं, वो सूख रहे हैं। अगर कोरोटोन के पौधे आपके सूखने लगें तो आप उसको कैसे बचाएं? जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्ता देख रहे हैं, ये सूख गया आधा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये पौधे सूखने शुरू हो गए थे, दिख रहा है पौधे, इसके पौधे देखिए, ये देखो सूखना शुरू हो गए थे, देख रहे हैं आपको। इसको उठा के मैं अंदर लाया हूँ। तो मित्रों, दो तीन चीज़ आपको बता रहे हैं हम कि अगर आप घर में पौधे लगाए हो और उसमें कोरोटेन को पौधे नहीं लगाए हो तो फिर लगा लीजिए, क्योंकि बड़े सुंदर होते हैं। ये देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ, कितनी रंग बिरंगी पत्ती है। ये तो पीला हो गया, सूखने वाला था, ये देख रहे हैं, ये और हरी हरी भी है। और इसके पत्ते देखिए, डिजाइनदार एकदम, फर्स्ट क्लास, बड़े सुंदर लगते हैं। देखो नए पत्ते अभी निकलने लगे, दिख रहे हैं। तो आप ज़रूर कोरोटोन के पौधे लगाएं, क्योंकि ये बड़े सुंदर होते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि इसके बारे में तो मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, लेकिन कोई किसी को जानना था कि ये हमारे सूख रहे तो क्या करें, इसके लिए आज हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो अब मेरे पौधे में भी ऐसी थोड़ी शिकायत आई थी कि मेरा पौधा बाहर लॉन में था और वहाँ पूरा दिन धूप लग रही थी इसको, तो थोड़ा छाया था, लेकिन वो आजकल सूरज जो है वो सामने से आता है तो धूप ज़्यादा हो लगती है, गर्मी बहुत है ना। तो इसको उठा के मैं अंदर लाया, जो हमारे घर के अंदर आंगन है ना, देख रहे हैं यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ इसको धूप मिल जाती थोड़ी सी, लेकिन 1-2 घंटे ही मिलती है। तो अभी ये फिर से हरा भरा होना शुरू हुआ है। पहली शिकायत थी कि उनके पत्ते हरे हरे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये पत्ता हरा है बिल्कुल। उनको इस तरह से डिजाइन नहीं बन रही है उनके पत्तों पे, जैसे एकदम पीला हो रहा है, ये सूखने के कगार पे जा रहा था, अब सुधर जाएगा, क्योंकि अब देखिए इसमें एक नया नया निकलना शुरू हो गया है, देख रहे हैं, क्योंकि ये अंदर आ गया ना अभी, देख रहे हैं ये। तो अगर आपके कोरोटोन के पौधे में पत्ते आपके बिल्कुल हरे हरे निकल रहे हैं तो इसकी वजह है कि वो पूरी तरह से शेड में है, इनडायरेक्ट धूप भी उसको नहीं मिल रही है। तो उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ पे उसको थोड़ी देर धूप मिले, दोपहर की धूप ना मिले, दोपहर से जो धूप आती 4 बजे तक वो ना मिले, क्योंकि इंडोर प्लांट है ये, 50-50% रखना चाहिए। तो आपके फिर पत्तियों में बढ़िया डिजाइन आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी शिकायत थी दोस्तों कि पौधे सूख रहे हैं, तो इसका भी वही जवाब है कि आप इसको बिल्कुल धूप में मत रखिए, एक कारण। दूसरा कि इसको 2-3 दिन में पानी देना चाहिए। आप सुबह शाम, गर्मी भले है तो रोज़ दीजिए थोड़ा थोड़ा, कि बाहर नीचे ना निकल पाए इतना ही पानी दो, और बहुत ज़्यादा पानी मत दो, उससे पानी से इसके रूट ख़राब हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर में बीमारी पकड़ लेती है और वो सूख जाते हैं, और बहुत ठंडा रहता है तो वहाँ फिर अंदर कीड़े भी आ जाते हैं। दो चीज़ हो गई सूखने के लिए, एक तो धूप और दूसरा है कि आप उसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं दें। और इसको जो फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं ना दोस्तों, जैसे नहीं कह रहा, हर हफ्ते दीजिए, क्योंकि आप जो है ज़्यादा इसको हीट दे दोगे तो ये सूखने लगता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत सारा गर्म करता है। तो आप इसे महीने में एक बार ही दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और गर्मी में ही बचाना पड़ता है इसको। इसको आप बहुत ज़्यादा जब धूप में रखोगे तो अपने आप इसकी पत्तियाँ सूख के टूट टाट के गिर जाती हैं, जैसे अभी हमने दिखा, ये सूख के इतना सूख गई पत्ती, दिख रहा है, देखो ये आधा पत्ती सूख गई थी। ये तो मैं
बाहर से आया और देखा तो तुरंत इसको अंदर ले आया, किसी ने बाहर रख दिया था, तो इसको मैं तुरंत अंदर लाया कि एकदम पत्तियां देखो धूप से पीली हो गई थी। बस देख रहे हैं इसमें कोई डिजाइन नहीं है, देख रहे हैं ऊपर की तरफ सब, ये धूप की वजह से हुआ था। अब जब से एक दो तीन दिन हुआ है इसको अंदर आके, तब इसमें देखो नई नई पत्तियां जो हैं अब निकलना शुरू हो रही है। नहीं तो लगा कि एक पौधा गया अभी, लेकिन मैं आया तो इसे बचा लिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसे अगर ये सूख रहा है तो इसे कैसे बचाना है। पानी कम दीजिए और इसको 50-50% में रखिए, 50% धूप 50% छाया। और घर में रखते हो तो विंडो के पास रखो, यहाँ के एक बार सूरज के जरूर दर्शन हो जाए और ज़्यादा देर धूप ना लगे इस पर। तो इस तरीके से करोगे तो आपका पौधा ये सूखेगा नहीं दोस्तों, ये हरा भरा रहेगा। और इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, कि बहुत सारी चीज़ें करनी है जो आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत आसान है, इसको बहुत धूप मत दो और बहुत पानी मत दो, इस कुछ नहीं होगा इसको एकदम। और कभी कभी गुड़ाई उड़ाई कर दिया करो, ठीक है मित्रों। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइटम दबाइए प्लीज़, और आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, हम बताएंगे आपको। जैसे अभी हम ये वीडियो रिपीट कर रहे हैं, पहले भी हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया हूँ, लेकिन ये किसी पौधा जो सूख रहा है उसे बचाया जाए तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।